यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अपडेट जो कि हाल ही में चल रहा है, जो लैटिन अमेरिकन डिफेंस एग्जीबिशन है यानी कि लैब 23। तो ये जो एग्जीबिशन है वो ब्राजील में चल रहा है और यहाँ पे कई सारी जो भारतीय कंपनियां हैं, भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे कि ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के यूनिट हो गई, DRDO हो गया, BDL हो गई, BEL और जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है, उनका पवेलियन यहाँ पे लगा हुआ है। सो नए अपडेट के रूप में एक जो ऑफरिंग है भारतीय वेंडर्स की तरफ से अल्जीरियन एयरफोर्स को की गई है और इस ऑफरिंग को कवर किया है कुछ अरेबिक डिफेंस पोर्टल्स ने। यहाँ पे ऑफरिंग है अल्जीरियन एयरफोर्स के जो Su-30 MKA हैं उनके लिए नए AA2 एयर मिसाइल यानी कि अस्त्र मार्क 1 के रूप में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं है R-77 से। तो यहाँ पे BDL ने उनको ऑफर किया है अस्त्र मार्क 1 और जो एक ऑफरिंग की बात है ब्रह्मोस ए को लेके, वो भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखी जा सकती है। और ये जो वेरिएंट होगा प्रॉब्लम उसकी जो रेंज होगी वो 290 और 300 से कम की होगी MTCR को देखते हुए। तो ये जो दो चीजें हैं वो ऑफर की गई हैं। जहाँ तक अल्जीरियन एयरफोर्स की बात करोगे तो 95 के दशक में ये ऑपरेट कर रहे थे MiG-29 को, जो कि ओल्ड MiG-29 थे। फिर इनका जो प्लान हुआ कि ये जो MiG-29 है सोवियत एरा के, उनको रिप्लेस कर दिया जाए इसी के एक लाइटर वेरिएंट से यानी कि MiG-29M से या फिर M2 से, और इसको लेकर जो एक कॉन्ट्रैक्ट है 28 को प्रोक्योर करने के लिए वो भी इन्होंने साइन किया था 2005 के अराउंड। जब पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी हुई तो उसको लेके वो सेटिस्फाइड नहीं थे और उस डील को उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर एक और जो कंपटीशन है फाइटर को प्रिक्योर करने का वो सामने आया, जिसमें इनके Su-30 MKA को चुना रफाल के ऊपर, और वो जो डील पहले कैंसिल कर दी गई थी MiG-29 की, उसके कॉमन फैक्टर को देखते हुए Su-30 MKA से इन्होंने 28 के नंबर में उसको प्रिक्योर किया जो कि इनिशियल बैच था। फिर जो एडिशनल ऑर्डर है वो प्लेस किया गया 2009 में, जिसको साइन किया गया था 2010 में, और वहाँ पे जो टोटल नंबर था Su-30 MKA का 44 के रूप में था। और यहाँ पे जो MKA है ये एक एडवांस वेरियंट था Su-30 का, जिसमें जो Su-35 है उसके जो एडवांस एवियोनिक्स है वो इंक्लूड कर दिए गए थे। तो अब यहाँ पे जो नंबर था 2010 में वो 44 के राउंड था। फिर एक और जो एडिशनल ऑर्डर है वो प्लेस किया गया तकरीबन 14 के नंबर में, ये ऑर्डर प्लेस किया गया 2015 में, और यहाँ पे 2015 में इनके पास जो Su-30 MKA का नंबर था वो 58 का था। एक और जो एडिशनल ऑर्डर है इन्होंने अभी हाल ही में प्लेस किया है 2019 में, और अब इनके पास जो Su-30 MKA का नंबर है वो 70 के अराउंड है। तो एक बड़ा मार्केट आपको दिखेगा HAL के लिए भी, और जो भी वेपन सिस्टम हम बना रहे हैं जिनको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने Su-30 MKI पे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हो तो ये एक आपको मार्केट दिखेगा। और इसी पॉसिबिलिटी को देखते हुए जो ऑफरिंग है अस्त्र मार्क 1 BDR की और ब्रह्मोस की गई है, अस्त्र मार्क 1 कहीं की जो डोर है मार्क 2 का वो भी खोलेगा उनके लिए, और जो भी हम एडिशनल स्टैंड ऑफ वेपन बना रहे हैं चाहे वो रुद्रम कैटेगरी के क्यों ना हो, तो वो भी चीजें ऑफर की जा सकती हैं। हालांकि इनके इनिशियल ऑर्डर में जो इन्होंने पहले प्लेस किए थे वहां पे 350 के नंबर में जो R-73 है वो इंक्लूड थे, और तकरीबन 250 जो R-77 है वो थे, जिसको बाद में उन्होंने एडिशनल ऑर्डर किया, तकरीबन जो 100 और यूनिट है वो बाद में ऑर्डर की गई है। तो जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है BVR कैटेगरी में वो ढूंढ रहे थे, जिसको यहाँ पे ऑफर किया गया है अरेबिक डिफेंस पोर्टल्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो ऑफिशियल वर्ड है भारतीय कंपनियों के द्वारा वो सामने नहीं है, वो प्रॉब्ली अभी सामने आएगा भी नहीं जब तक जो डील है वो फ्रूटिफाई नहीं होता है तब तक। तो इस तरह के मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए भारत अब तैयार हो रहा है, क्योंकि इस तरह की जो कैपेबिलिटी है वो हमने खुद ही डेवलप की है, जो कि एक लॉन्गर टर्म में इस तरह के मिसाइल का जो मास प्रोडक्शन है उसको सपोर्ट करेगा, और जो फर्दर इटरेशन है इसके वेरियंट है वो आपको देखने को मिलेंगे। सो होपफुली जो इस तरह के डील है वो फ्रूटिफाई हों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।